कोरोना काल में इस बार रायपुर के मूर्तिकारों के हाथ निराशा लगी है। बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण अधूरा है क्योंकि इस बार प्रतिमाएं नहीं बिक रही हैं। मूर्तिकार बताते हैं कि यदि साल भर मूर्तियां सुरक्षित रहीं तो दोबारा सुधारने की कोशिश की जाएगी। साल भर तक मूर्तियां सुरक्षित नहीं रहीं तो लाखों के नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में लेबर को पैसे देने के लिए भी मूर्तिकारों को परेशानी हो रही है। मूर्तिकार संदीप भाला ने बताया है कि बहुत सी परेशानियों के बीच नुकसान तो हो ही रहा है। अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि 4x4 की मूर्तियां ही विराजमान होंगी, इसलिए बड़ी मूर्तियां अधूरी ही छोड़ दी गई हैं। पहले छोटा मूर्ति हम लोग अभी बनाए, अभी बाद में बनाया इसको, इसमें भी अभी पूरा बिका नहीं। हम लोग को तो नुकसान ही है अभी, कोई उन्हें अब क्या लेबर खर्चा ये खर्चा सब देने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा। कोरोना काल में इस बार मूर्तिकारों पर भी गहरा संकट छाया हुआ है। आज हम माना स्थित मूर्तिकारों के पास मौजूद हैं, जहां पर आपको दिखाना चाहिए कि ये जो प्रतिमाएं हैं वो निर्मित तो हुई है लेकिन अधूरी है। इनका जो निर्माण का काम है वो अधूरा है क्योंकि मूर्तियां जो है वो 5 फीट नहीं बल्कि जो है मूर्तियों का साइज कम कर दिया गया है इस बार, और इस वजह से जो मूर्तियां हैं वो अधूरी निर्मित की गई है, और इस वजह से मूर्तिकारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मूर्तियां अधूरी है और इसे पूरा भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके पूरा करने का कोई फायदा भी नहीं जो है वो नजर आ रहा है। मूर्तिकार भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि पहले जो गाइडलाइन जारी नहीं हुई थी उसके पहले से ही मूर्ति बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अब गाइडलाइन जारी हुई है तो जो मूर्ति जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है वो अधूरी है, उसे जो है उसका निर्माण अधूरा किया गया है। तो हम मूर्तिकार से ही जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो अधूरी मूर्तियां हैं, आपने भी बताया कि अधूरी मूर्तियां हैं, इसको अधूरा निर्माण किया गया, तो आगे इसको क्या किया जाएगा? अभी साल भर रुके रहेगा, यदि अच्छा रहेगा तो फिर ठीक ठाक करके बेचेंगे, नहीं रहेगा तो किस्मत है अपना। और ये जो मूर्तियां आपने बनाई है कितने की लागत, लगभग कितने की लागत लगी होगी, और नुकसान की बात की जाए तो कितने नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है? लागत तो बहुत लगा है, नुकसान बोले तो मैं अपने को 1.5-2 लाख का अभी नुकसान हो चुका है। अभी इसके बाद फिर अभी ये छोटी मूर्ति भी बचा है, यदि पूरा नहीं जाएगा उसके बाद फिर 1 लाख नुकसान और हो जाएगा। अभी तक पूरा जाए, आज ही आखिरी दिन है, अब जो जाए किस। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मूर्ति जो बेचने का जो सिलसिला है वो सिर्फ आज शाम तक ही रहेगा, इसके बाद कोई भी मूर्ति जो है वो नहीं बिकेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अधूरी मूर्तियां जो है वो बनी हुई है, अगर ये मूर्तियां इसी तरीके से ठीक ठाक रही तो हो सकता है कि इसका अगले साल उपयोग हो, अन्यथा ये जो नुकसान है वो मूर्तिकारों को सहना पड़ेगा। कैमरामैन देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।